तो इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक गैस कंटेन इन ए सिलेंडर। एक गैस है जो कि एक सिलेंडर में रखा हुआ है, ठीक है। एक गैस है जो कि एक सिलेंडर में रखा हुआ है विथ है ए फ्रिक्शन लेस पिस्टन एक्सपेंड अगेंस्ट एक कॉन्स्टेंट प्रेशर, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर कितना दिया गया भाई, 180। फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम फ्रॉम 10 लीटर टू 30 लीटर, 230 लीटर। इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब 900 जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इन इंटरनल एनर्जी। एक गैस है जो कि कहाँ पे रखा गया है, एक सिलेंडर में रखा हुआ है, और सिलेंडर के ऊपर क्या लगा है आपका, एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि फ्रिक्शन लेस है। तो लेट अस कंसीडर, ये आपका क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें आपका कोई गैस भरा हुआ है, और इस सिलेंडर पे क्या लगा हुआ है, एक आपका पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। और ये जो आपका है, ये गैस जो है आपका, इसमें गैस भरा हुआ है, और इसके ऊपर ये जो सिलेंडर है जिसमें गैस रखा हुआ है, इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि फ्रिक्शन लेस है। और ये क्या होता है, गैस एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होता मतलब वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ यह पिस्टन मूव करेगा। एक्सपेंड होने का मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, और गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा कब, जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे जो इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है आपका, यानी कितना दिया गया है, 10 लीटर, 10 लीटर से 30 लीटर इसका वॉल्यूम इंक्रीज होकर के एक्सपेंड होके हो जाता है। यानी इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल टू 10 लीटर, और V2 इक्वल टू कितना दिया गया आपका, 30 लीटर। और यहाँ पे जो प्रेशर दिया गया, कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो आपका चेंज नहीं हो रहा है, वो कितना है आपका, पी एक्सटर्नल आपका 180 दिया गया है, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा करने में गैस को, जो आपका जो गैस है, वह सराउंडिंग से 900 जूल क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग से अगर हीट को क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी आपका यहाँ पे जो आपका क्यू की वैल्यू है, ठीक है, क्यू, अगर देखो, अगर सिस्टम आपका हीट एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम का हीट बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब चूंकि अगर अगर सिस्टम आपका, अगर मान लीजिए सिस्टम है, अगर इस सिस्टम सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर सिस्टम से क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी सिस्टम हीट दे रहा है, अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो क्यू की वैल्यू निगेटिव, और अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव। यही हमने साइन कन्वेंशन में हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो पॉजिटिव में होगी, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 900 जूल।
है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है इंटरनल इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजिंग आ रहा है। कोई बात नहीं है, हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि दिया किसी सिस्टम को दिया गया हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और सिस्टम वर्क डन करता है, वर्क करता है, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। इसमें मुझे निकालना है डेल्टा यू, कितना इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आई। तो यहाँ पे क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा आपका। क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 900 जूल है, 900 जूल है। और यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, वर्क इज इक्वल टू, मैं जानता हूँ पी डेल्टा वी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी वो 900 जूल और प्लस, क्योंकि माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस था, तो आपका प्रेशर कितना है, तो प्रेशर आपका 1 atm है, यहाँ पे 1 atm हो गया। और वॉल्यूम में कितना चेंजिंग आ रही है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका फाइनल वॉल्यूम है 30 और इनिशियल है आपका 10 लीटर। तो इस तरीके से होगा आपका 900 जूल और प्लस माइनस 1 atm, फिर आपका एक कितना वॉल्यूम में चेंजिंग आई, तो वॉल्यूम में चेंजिंग आया आपका 30 माइनस 10 मतलब 20 लीटर, क्या 20 लीटर। तो चूंकि ये जो आपका देखो यहाँ पे जूल है और यहाँ पे जो आपका निकल के आ रहा है वह कितना है, लीटर एटीएम में निकल के आ रहा है। तो भाई दोनों देखो, दो क्वांटिटी को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो दोनों का जो यूनिट होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो चलो ये तो आ जाएगा आपका -20 लीटर एटीएम। अब मुझे लीटर एटीएम को चेंज करना पड़ेगा किसमें, जूल में, क्योंकि मैं जूल को, भाई जूल, ये मैं जूल को जूल में ऐड कर सकता हूँ या घटा सकता हूँ। अब क्योंकि यूनिट तो मुझे सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लीटर एटीएम को मुझे क्या किसमें चेंज करना है, जूल में। तो आप लीटर एटीएम को जूल में चेंज करने के लिए क्या करोगे, -20। लीटर एटीएम को अगर आपको जूल में चेंज करना है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8.314 और डिवाइड बाय 0.0821 और ए आया, अब ये चेंज हो जाएगा आपका जूल में, ठीक है। ये आपका किसमें चेंज हो जाएगा, जूल में चेंज हो जाएगा। आपका जून में चेंज हो जाएगा। हाँ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1125.34, वो भी माइनस में आएगा। और जूल माइनस में आने का मतलब आपका सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क करे, यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। बस माइनस साइन का मतलब यहाँ पे ये मतलब हुआ, माइनस साइन ये शो करता है कि आपका जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का वह क्या होगा, घटेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके का है, यहाँ तो बोला जा रहा है 1 मोल, 1 मोल ऑफ लिक्विड, 1 मोल ऑफ लिक्विड 1 बार 100 ml इज टेकन इन एन एडियाबैटिक कंटेनर, एडियाबैटिक कंटेनर एंड प्रेशर इंक्रीजेस, एंड प्रेशर इंक्रीजेस शार्पली शार्पली टू 100 बार, 100 बार वॉल्यूम डिक्रीज बाई, वॉल्यूम
डिक्रीज बाई 10 mm, फाइंड फाइंड डेल्टा एच एंड डेल्टा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिक्विड है जिसके मोल की संख्या कितनी है, 1 मोल है, जिसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल है, और ये लिक्विड जो है आपका जो रखा गया है वह 1 bar और 1 bar प्रेशर पे रखा गया है, और इसका जो वॉल्यूम है वह कितना है, 100 ml, ठीक है, और इसको क्या किया गया है कि इसको टेकन लिया एक एडियाबेटिक कंटेनर में रखा गया है। अब एडियाबेटिक कंटेनर का मतलब हुआ कि आपका कंटेनर ऐसा है जिससे जो जो क्या है आपका होगा, इंसुलेटेड होगा। इंसुलेटेड का मतलब हो गया आपका हीट ना तो बाहर से अंदर जाएगी ना तो अंदर से बाहर जाएगी, यानी यहाँ पे आपका जब जैसे एडियाबेटिक शब्द प्रयोग किया इसका मतलब यहाँ पे आपका डेल्टा क्यू यानी चेंज इन हीट क्या होगा, 0 होगा, ना हीट अंदर से बाहर आएगा ना अंदर, ना तो बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करके कितना, शार्पली, अब जैसे ही शार्पली आया तो शार्पली से मैं बताया था कि भाई अगर आपका कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में शार्पली शब्द आ जाए या स्टेपली आ जाए या एब्रप्ट हो जाए, एब्रप्ट 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 आ जाए या आपका शार्पली आ जाए, ठीक है, स्टेपली आ जाए या एब्रप्ट आ जाए या एबनॉर्मली आ जाए, एबनॉर्मल आ जाए, इसका मतलब होता है कि आपका प्रोसेस जो है वो कैसा है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि देखो इन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, प्रेशर क्या होता है आपका, कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर लिया गया है तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर आपका फाइनल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। तो आपका जो पीक एक्सटर्नल होगा वो किस इक्वल होगा, पी फाइनल, और यहाँ पे फाइनल प्रेशर कितना है आपका, फाइनल प्रेशर आपका 100 bar हो गया, यानी यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर है वह कितना है, 100 bar, 100 bar, 100 bar है ये आपका फाइनल प्रेशर। हंड्रेड बार है आपका फाइनल प्रेशर। अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम जो था आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 100 ml था, और जो फाइनल वॉल्यूम जब आपका जो लिक्विड था वो लिक्विड जब इस पे प्रेशर बढ़ाया गया इसका वॉल्यूम कितना हो गया, घट करके 10 ml हो गया, 10 ml, ठीक है, 10 ml हो गया आपका फाइनल फाइनल वॉल्यूम आपका 10 ml हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे डेल्टा एच एंड डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं, देखो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, क्यू, और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू, और यहाँ पे चूंकि जो आपका क्यू की वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 प्लस W, W क्या है आपका, वर्क डन, और जो कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा U की वैल्यू आएगी, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है आपका, -10 bar है, 100 bar है, 100 bar, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप किस में रख रहे हो, वॉल्यूम आप चूंकि फाइनल वॉल्यूम क्या है आपका, यानी V2 10 ml है। अब ml पे हम तो रखेंगे नहीं, हम रखेंगे किसमें, अब इसको हम लोग रखेंगे लीटर में, तो 10 लीटर, 10 ml, अब इस ml को चेंज करोगे लीटर में तो 1 ml इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर, ठीक है, 1 ml इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर, ये लीटर हो गया माइनस। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपका, 100 ml, और ml की जगह क्या रखोगे आप, लीटर रखोगे, 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, ठीक है,
डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो गया, -100 बार, ठीक है। यहां से आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/100 आएगा, और माइनस यहां से करोगे तो 1/10 आएगा। अब अगर आप क्या करते हो, -100 बार, यहां से आप तो अगर कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ पे 1 - a आपका 10 हो जाएगा। अब ये 100 से 100 कट गया, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा आपका, प्लस आएगा, ये -9 और -1 आपका होगा +9 बार लीटर, ठीक है, बार लीटर। तो डेल्टा यू की वैल्यू, इंटेंज चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा एच की वैल्यू। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, तो हम जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस माइनस पी डेल्टा वी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू मुझे निकालनी है, डेल्टा यू की वैल्यू मुझे मिल गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका डेल्टा यू की वैल्यू 9 बार लीटर आया है, आपका बार लीटर, माइनस पी डेल्टा वी। इन रिवर्सिबल प्रोसेस है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर आपका 100 बार हो गया, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है आपका, चेंज इन वॉल्यूम आपका आप 100 ml से किसमें चेंज हुआ है, 10 ml, इसका मतलब 90 ml आपका। अब ml को आप लीटर में चेंज करोगे तो 1/ कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बार लीटर माइनस ये आपका हो गया 100 बार, और यहाँ पे आपका 0 से 0 कट गया, 9/, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 9/100, ठीक है, 100 ये आपका लीटर, यहाँ 100 से 100 कट गया, 9 बार लीटर माइनस आपका 9 बार लीटर, 9 बार लीटर। ये कितना है आपका, 0 है, तो दिस इज योर आंसर।